हेलो ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड लवली सब्सक्राइबर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल जिंदगी ज़रा मुस्कुराना। चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ कुछ अनोखी बातों के साथ। तो ऊपर आते ही ये प्यारी सी चिड़िया मिल गई मुझे, जो मेरे इस गार्डन के शांत बगीचे का खूब मज़ा ले रही थी। और चलिए ये शेयर कर देती हूँ आज का वीडियो, जो बहुत अनोखा है। तो ये गिलोय का प्लांट मैंने लगाया था लगभग 1.5 साल पहले कटिंग से, और ये देखिए ये है इसकी कटिंग, आप देख रहे हैं उसकी निशानी अभी तक है। और ये बगल से उसके नए ब्रांचेस निकल गए हैं और ढेर सारी लताएं उनसे निकलकर बाहर आ गई हैं, ढेर सारे वाइन्स उसके निकले हैं और ये पूरे हरे भरे हैं। तो जब ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका था और काफ़ी फैल गया था, तो मैंने इसकी लताओं को काटकर पौधे को ट्रिम कर दिया गमले में। मैंने इसकी जो लता काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ गई थी, बहुत फैल गई थी, तो मैंने उसे काटकर ट्रिम कर दिया और उसे पौधे से अलग कर दिया। पर मुझे आश्चर्य इस बात की लगी, जब 1-1.5 महीने हो चुके हैं मैंने इसे ट्रिम किया था, इन लताओं को काटकर अलग किया था पौधे से, लेकिन ये आज भी इस तरीके से हरे भरे कैसे हैं और इतने अच्छे से अभी भी इसके पत्तियां ताजे कैसे हैं, जबकि मैंने इन्हें जड़ से बिल्कुल काटकर पौधे से अलग कर दिया था। तो मैं इस प्लांट के पास गई ये देखने के लिए कि इसकी वजह क्या है कि ये लता आज भी इसी तरह बिल्कुल हरियाली ली हुई है, भले ही इसके 1-2 पत्ते सूखे हैं, लेकिन ये देखिए इसकी ये लता किस तरीके से अभी भी बिल्कुल हरी है और इसके पत्ते ये देखिए कितने फ्रेश, और बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि मैंने इसे काट दिया है। ये इसके डंठल, हम सभी जानते हैं गिलोय की पत्ती, डंठल ये सभी यूज़ में आते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर है। तो ये देखिए ये इसकी लता जो इस तरीके से काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ गई थी और इस तरीके से ये छाई हुई थी इस जगह पर, और मैंने इसे काट दिया था और ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ से इसे काट दिया था। लेकिन अब हैरानी की बात, मुझे ये लग रही थी कि ये हरे भरे कैसे हैं। तो जब मैं पास आई तो मैंने देखा कि जहाँ से मैंने इन्हें काट दिया था वहाँ से ढेर सारे ईयर रूट्स वापस निकल कर आ गए हैं। तो ये ईयर रूट्स छोटे बड़े साइज़ के हैं और ये देखिए इस तरीके से ये नीचे की ओर चले आ रहे हैं। अब मुझे इसके सीक्रेट का पता चला कि ये पौधा अभी तक कैसे इतने हड़ा भड़ा है और कैसे अभी तक सरवाइव कर रहा है, जबकि 1-1.5 महीने पहले मैंने इसे काट दिया है जो इसका मदर प्लांट है उससे। तो ये एयर रूट्स ये देखिए नीचे की तरफ चले आ रहे हैं, और मज़े की बात मुझे ये लगी कि ये रूट्स काफ़ी लंबे हैं और ये तब तक लंबाई में बढ़े हैं जब तक इसने छत के सतह को नहीं पा लिया, और गमले के आसपास जो थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ी रहती है उसे इसने अपना बेस बना लिया और उससे इसने अपना मॉइस्चर, अपना पोषण लेना शुरू कर दिया। तो ये देखिए ये इसकी जड़ें किस तरीके से छत के फर्श को छू रही है, और जहाँ थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है वहाँ ये अपने आप को देखिए ये किस तरीके से मजबूती के साथ पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये साबित है कि गिलोय का प्लांट जो है वो बहुत जीवट प्लांट है। आप देख रहे हैं ये किस तरीके से इसने अपना जीने का, अपने को सरवाइव करने का इतना अच्छा तरीका ढूंढ लिया। तो चलिए आज इस सरप्राइज़ के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय। और इन्जॉय करने देती हूँ इस प्यारे से बर्ड को, मेरे गार्डन के खूबसूरत फ्लावर्स और फ्रूट्स को।